भारत देश को मानचित्र पर उकेरने वाले सर जॉर्ज एवरेस्ट का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पर्यटन विभाग ने उनके 137वें जन्मदिन पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनके योगदान को बताया। इस अवसर पर कार्यक्रम में इतिहासकार गोपाल भारद्वाज सहित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और पर्यटक मौजूद रहे। मसूरी में सर जॉर्ज एवरेस्ट का 137वां जन्मदिन मनाते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर सहायक पर्यटन अधिकारी हीरालाल आर्य ने सर जॉर्ज एवरेस्ट से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि सर जॉर्ज एवरेस्ट ने मसूरी में रहकर पूरे भारत का नक्शा बनाया और हिमालय की चोटियों को मापा। उनके इस योगदान पर पर्यटन विभाग ने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का निर्माण करवाया और यहाँ पर पर्यटकों के लिए कुटिया बनी है, हेली सेवा भी शुरू की गई है। सर जॉर्ज का आज 137वां जन्मदिन था। आज 4 जुलाई 1790 को उनका जन्म हुआ था और विभाग द्वारा जो है सादगी के साथ और उनके मूर्ति है उस पर फूल मालाओं के साथ जो है उनका जन्मदिन मनाया गया। द्वारा जो है इस पर जॉर्ज एवरेस्ट को डेवलपमेंट की आगे भी पर्यटकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराए जा रही हैं, जैसे हेली सेवा है और वहाँ पे कॉटेज, नए कॉटेज वहाँ पे बने हैं, एक रेस्टोरेंट वहाँ पे बनाया गया है जिसका संचालन आगामी महीनों में किया जाएगा। इस मौके पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट भारत के सर्वे जनरल रहे हैं। वो 1832 में आ गए थे और 1843 में रिटायर होकर वापस इंग्लैंड चले गए थे। उन्होंने कहा कि मसूरी वालों के लिए ये गर्व की बात है कि उनका भारत के भौगोलिक इतिहास में बड़ा योगदान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, जैसे आप जानते हैं वो भारत के सर्वे जनरल भी रहे हैं और सुपरिंटेंडेंट भी रहे हैं ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के, और मसूरी में उनका कार्यकाल का जीवन 1832 में वो आ गए थे और 1843 में रिटायर होकर वो इंग्लैंड जब वापस गए तब तक वो यही रहे। वो यहाँ पे उन्होंने अपना वो उनका फील्ड ऑफिस भी था और टेबल वर्क भी करते थे, जो हिंदुस्तान का जो आज हम मैप देखते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट का, वो जब फील्ड वर्क करते थे तो यहीं पे वो फिर उसको पेपर जब किया करते थे, टेबल वर्क जो होता था, और उनके सारे असिस्टेंट जितने उनके बैचलर्स थे और असिस्टेंट थे वो सब यहीं पे आया करते थे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।